हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा। इन टुडेज वीडियो आई एम शोइंग सम इजी एंड लो कॉस्ट होम डेकोर आइडियाज एंड आई रियली होप दैट यू ऑल विल बी वेल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट डिले। यहाँ पे हमने एक कार्डबोर्ड ले लिया है, इसके ऊपर हम अपना टेक्सचर पेस्ट रेडी करके लगाएंगे जिससे इसका जो बेस है थोड़ा ज्यादा मजबूत हो जाएगा। पेस्ट बनाने के लिए यहाँ पे हमने 2 चम्मच व्हाइट सीमेंट ले लिया है। अब हम इसमें फेविकोल मिलाएंगे। फेविकोल मिलाने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका वेट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा और इसका जो ये सरफेस है ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा और ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। तो हमें ये पूरा पेस्ट अच्छे से इस पे इक्वल करना है, पूरे इस पे कार्डबोर्ड पे फैला के। फ्रेंड्स, अब हमारा ये जो हमने टेक्सचर पेस्ट लगा के कार्डबोर्ड रेडी किया था ये सूख चुका है। अब हम इस पे कलर करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑरेंज कलर करूंगी। तो ऑरेंज कलर करने के लिए मैंने यहाँ पे रेड और येलो कलर लिया हुआ है। इन दोनों को मिक्स करके मैं ऑरेंज कलर बनाऊंगी और इस पे करूंगी। थोड़ा सा येलो कलर मिलाएंगे, निकालेंगे। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। हमें एकदम से मिक्स नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ही कलर मिक्स करना है। और हम अपने कलर करना साइड से स्टार्ट करेंगे। नवरात्रि आने वाली है फ्रेंड्स, तो उसके लिए हम कुछ ऐसा ही हमें बनाना होगा जो ट्रेडिशनल लगे। हमने ऑरेंज कलर कर लिया है, अब हम थोड़ा सा येलो कलर लेंगे और इसको बीच में थोड़ा सा ऐसे राउंड राउंड करके थोड़ा सा ही बीच में ऐसे इसको बस साइड्स में हमें इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे करना है ताकि हमारा कलर एकदम बिल्कुल एक अलग ही लुक आ जाएगा इससे बीच में। हमारा कलर अच्छे से सूख गया है। अब हम इसके साइड्स में आउटलाइनिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3D आउटलाइनर लिया है व्हाइट कलर का। आप ब्लैक कलर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आपके पास जिस कलर का भी है। 3D आउटलाइनिंग करेंगे आप। अगर आपके पास आउटलाइनर नहीं है तो आप 0 नंबर ब्रश से भी आप इसमें डिजाइन बना सकते हैं। साइड में आपको आप जिस भी तरीके की डिजाइन बना सकते हैं, मैं कोई इजी ही बनाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ मैं पूरे में आउटलाइनिंग नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ थोड़े थोड़े में ही, सिर्फ कॉर्नर पे ही आउटलाइनिंग कर रही हूँ। हमें साइड से 1 सेंटीमीटर छोड़ के आउटलाइनिंग करनी है। डियर, माता रानी के नवरात्र आने वाले हैं तो उसके लिए आप हम सब बहुत ही ज्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए सोचते हैं नवरात्रि को।
लेकिन इस कोरोना के टाइम पे हम लोग ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए होम DIY करके ही हम कुछ अच्छा सा अपने आप को सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से आउटलाइनिंग की हुई है। एक वाइट पेपर पे मैंने माता रानी का फिगर ड्रॉ कर लिया है फेस का, तो इसको मैं अपने इस कार्डबोर्ड पे इसको कॉपी कर लूँगी। तो चलिए कर लेते हैं। हमने यहाँ दोनों को इक्वल क्वांटिटी में ले लिया है, अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर ये ज़्यादा गीला हो तो आप इसमें थोड़ा सा टैल्कम पाउडर छिड़क लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और इनका किसका कलर देखिए बिल्कुल चेंज हो गया है, वाइट कलर का हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा पीस लेंगे और इसको बिल्कुल पतला सा लंबा सा ऐसे रोल करते हैं, हैंड की हेल्प से इसको रोल करते जाएंगे और इसी से ही हमें अपने माता रानी का पूरा बनाना है फेस। यहाँ पे इसे चिपकाने के लिए हमें यहाँ पे फेविकोल लगाना होगा। इसी तरीके से हम अपना पूरा फिगर कंप्लीट कर लेंगे। हमारी माता रानी का जो ये पिक्चर है ये अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब हम इसमें इसको थोड़ी देर सूखने के बाद हम इसमें कलर करेंगे। तब तक हम यहाँ पे कुछ बेल्स बनाएंगे और इसमें कुछ डेकोरेशन करेंगे। यहाँ पे हम ये क्ले से बेल्स बना रहे हैं। नीचे थोड़ी थोड़ी सी बेल्स, और हमारी बेल्स रेडी हो गई हैं। इसे हम माता रानी की आईज बना लेंगे। हमारी माता रानी की आईज कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम इनके लिप्स में कलर करेंगे। यहाँ पे हम रेड कलर कर रहे हैं।
माता रानी का पिक्चर काफी हद तक कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पे बेल्स को मैं गोल्डन कलर से कर रही हूँ, पेंट कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी फ्लावर या कुछ भी बना सकते हैं।